हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अवधेश सर आपके सामने उपस्थित हैं और मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी को व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस खुशी को थोड़ा सा हम लोग शेयर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मूड अपना सही करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी मेरी एक कुमार विश्वास की चार पंक्तियां मैं पहले आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। दोस्तों ध्यान देंगे, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों सी पावन कहानी है। अभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू हैं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। हाँ दोस्तों, मौज मस्ती के बाद में फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जैसे हमारे जो अंदर की मेन बात होती है कि हम अंदर से कभी कभार हमारे कुछ बातें कुछ लोगों की झंझोर के रख देती हैं। हम दिल से ले जाते हैं बात को और टेंशन में रहते हैं, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई गीत गाना चाहिए, कोई कविता गानी चाहिए, अपना मन खुश रखना चाहिए। अपने आप में खुश रखिए अपने आप को, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको जीवन में कोई तोड़ नहीं सकता है। तो जैसे अंदर से हम मजबूत कैसे बने, अब अंदर से मजबूत बनने के लिए सबसे पहली बात जो है ये करना चाहिए कि हमें कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पहली बात हुई, हमें कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमें कभी अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए दूसरों के लिए। कभी दूसरों के सामने सफाई नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमको कामयाब लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमें परिवर्तनशील रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। अगर हम ज़्यादा समय तक एक ही ढर्रे पर चलते रहेंगे तो
हमारा विकास रुक जाएगा। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए, जहाँ समय की जैसी मांग हो वैसा हमको बनना चाहिए। उसके बाद में हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आत्मविश्वास। दोस्तों, कामयाब होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे आप छोटे से स्तर से कंपटीशन में जाएं या बड़े से जाएं, लेकिन जब तक अपने अंदर कुछ बातों का या कुछ नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अपने मन में रखिए, जिज्ञासा रखिए, अधिक से अधिक सोचिए, अपने माइंड को खुले मन से रखिए और सेल्फ में खुश रहिए। दूसरों की परवाह मत कीजिए और एक न एक दिन आप जो हैं ज़रूर कामयाब होंगे। ये मेरा आज का थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर रहा। और मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, थोड़ा टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे। फंडामेंटल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, देर आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू। वॉट इज दिस? दिस इज अ ट्री ऑफ fluency, okay? How can we speak fluency? So there are many fundamentals of spoken English. At the first time we should strong. We should be strong by mental. Mentally we are, if we strong, we can develop to forward. The second step is vocabulary. Vocabulary is main fundamental element of spoken English. Vocabulary अगर हमारी ठीक है तो हमें अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमको अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है? हमारा माइंड बिल्कुल जब ठीक है, हम उस वातावरण में ले जाएंगे अपने आप को कि हम अंग्रेजी बोलें, तो हमको ये पहले क्रिएट करना पड़ेगा एटमॉस्फियर कि हम अंग्रेजी बोलने के लिए हमारा एटमॉस्फियर होना चाहिए। फिर वोकैबुलरी, इफ़ यू लर्न 1000 meanings, you can read English. After that, if you learn 2000 meanings, तो यहाँ पर आप read हो गया, you can write. Okay, if you learn 5000 words, you can speak. Okay, so there are many rules in fluency English. The first is mentally makeup, second vocabulary, and third is सिंथेसिस ऑफ थॉट्स। हमको अपने अंदर विचारों का एकीकरण करना पड़ेगा। विचार हमारे अंदर अंग्रेजी के जितने जल्दी जल्दी आएंगे
तो हमारे लिए अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टेंट ड्रिलिंग। कॉन्स्टेंट ड्रिलिंग यानी यहाँ पर हमको निरंतर स्थायी अभ्यास करना चाहिए। जैसे अगर हम कोई भी मतलब एक एक वाक्य ले लें, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आई गो, आई कैन गो, आई डिड नॉट गो, आई शैल गो, ओके, आई एम गोइंग। तो इसी प्रकार से आप कम से कम 50-50 सेंटेंस आप बनाएंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे इसका, ओके। आफ्टर दैट उसके बाद में हम जो है फ्लुएंसी पर पहुंचेंगे जा करके। तो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनको हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। पहले हमारा वातावरण हमको बनाना है, अपना माइंड मेकअप करना है, उसके बाद वोकैबुलरी के शब्द हमको याद करने चाहिए। मेन हमारी अंग्रेजी जो होती है वो वोकैबुलरी पर आधारित होती है। आफ्टर दैट सिंथेसिस ऑफ थॉट्स, कॉन्स्टेंट ड्रिलिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग। एक चीज़ और रह गई थी, कॉन्स्टेंट ड्रिलिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग, ओके। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम करना चाहिए। जब हम सेंटेंस बनाने लगेंगे धीरे 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 हमारा विकास हो जाएगा और हम अंग्रेजी बोल सकेंगे। तो थोड़ा सा समय के मांग को देख करके जो आवश्यक चीज़ होगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और जो भी मेरा टॉपिक रहेगा तो प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे मैं उसको लगातार आपके सम्मुख रख सकूँ। इसी के साथ मैं अवधेश सक्सेना आपसे फिर मिलूँगा, ओके, धन्यवाद। अरे